हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये लेक्चर हमारा स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, उसको कंटिन्यू करेगा। आज के इस लेक्चर में हम सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हमने परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक को अच्छे से समझा है। स्टूडेंट्स, अगर आपने परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो आई एम श्योर कि आपको सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ सिमिलर है। परचेज बुक की जगह सेल्स बुक बनेगी और परचेज रिटर्न बुक की जगह सेल्स रिटर्न बुक बनेगी। तो हम पहले समझते हैं सेल्स बुक में क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है। सेल्स बुक रिकॉर्ड्स, सेल्स बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, जिसके अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स ओनली, सेल ऑफ गुड्स इन विच फर्म डील्स। फर्म डील्स मीन्स जिन प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर रही है, जो बिजनेस एक्टिविटी है एक्चुअल में। मान लो शर्ट्स बनाने की एक्टिविटी है, तो शर्ट्स की सेल ही इसमें रिकॉर्ड होगी। या स्टेशनरी का काम है, तो स्टेशनरी की सेल ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। सेकेंडली, ओनली क्रेडिट सेल, only credit sale is recorded, sale is recorded means जो cash sale हुई है वो sales book में record नहीं होगी। अब क्या चीज़ sales book में record नहीं होगी? sales book does not record, does not record, क्या record नहीं करता sales book? sale of ऑफिस फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर, कुछ भी आइटम। जो बिजनेस नहीं है फर्म का, उसको अगर सेल किया जा रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी बिजनेस का ट्रेड ही फर्नीचर के में डीलिंग करना है, तो उसका सेल और परचेज तो सेल्स बुक में आएगा या परचेज बुक में आएगा, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही फर्नीचर का है, कंप्यूटर का मान लीजिए है, या प्रिंटर का है, तो वो तो आएगा उसका। लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। दूसरा, कैश सेल्स नहीं आएगा, कैश सेल्स सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली क्रेडिट सेल इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। और क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी सेल्स बुक में? डिटेल्स ऑफ परचेजर, परचेजर का क्या नेम है, हम उसका एड्रेस भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। हमने क्वांटिटी कितनी सेल करी है, क्वांटिटी सेल सोल्ड, क्या नाम है आर्टिकल का, रेट क्या लगाया, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। रेट क्या लगाया, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, या IGST या GST अगर है तो वो कितना हमने इस पे लगाया है, ये आप उसमें लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्स बुक के अंदर। और सेल्स बुक का जो टोटल है, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज कहाँ जाता है, ये इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये जो सेल्स अकाउंट है स्टूडेंट्स, लेजर है, और सेल्स बुक हमारा जर्नल है। हम सबसे पहले एंट्री, हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट का जो टोटल है वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और सेल्स बुक का जो टोटल है वो क्रेडिट होता है सेल्स अकाउंट में। अब स्टूडेंट्स देखिए, सेल्स बुक बनाने से हमको फ़ायदे कितने हैं? सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमें जर्नल एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा वर्क वॉल्यूम कम हो जाता है ना। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे पास परचेजर की कंप्लीट डिटेल हमारे पास है। इस डिटेल को हम 6 महीने बाद, साल भर बाद भी देखना चाहें तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है। हमारा परचेजर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हमने उसको क्या चीज़ सेल करी है, हमने कितने में से क्या रेट से सेल करी, कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया, और
अगर जीएसटी लगाए तो कितना जीएसटी लगाया ये हम कभी भी देख सकते हैं। एक और फायदा स्टूडेंट्स, सेल्स बुक में हम नंबर ऑफ परचेजर्स कितने भी हों एक साथ ही एंट्री कर सकते हैं। मीन्स एक ही सेल्स बुक में अगर हमारे 5 परचेजर हैं उसको भी लिखेंगे, 10 हैं उसको भी लिखेंगे, तो आपको अलग अलग परचेजर्स के हिसाब से बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सेल्स बुक में कंप्लीट परचेजर्स की डिटेल आ सकती है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है। जिस तरह स्टूडेंट्स हमने परचेज रिटर्न बुक बनाई थी, जब हम परचेज करते हैं तो हम भी तो अगर कोई डिफेक्टिव होता है या किसी भी वजह से हम अगर गुड्स को वापस करते हैं तो हम उसको परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। इसी तरह जब हमने सेल किया है तो हमारा गुड्स अगर कहीं बाई चांस कहीं डिफेक्टिव निकली आया या किसी और वजह से परचेजर हमें वापस करता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न बुक में बनाते हैं, हम एंट्री करेंगे उसकी सेल्स रिटर्न बुक। ये भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है जैसे सेल्स बुक बन रही है, इसके अंदर भी सेल्स रिटर्न बुक में क्या होगा, हम सिर्फ से सेल ऑफ गुड्स करेंगे जिसमें फर्म डील कर रही है, और जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है वो अगर रिटर्न है तो उसी को ही सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगा। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा सेल्स रिटर्न बुक में, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, प्रिंटर, कंप्यूटर, कुछ भी ऐसा आइटम जिसमें बिजनेस डील नहीं हो रहा है हमारा। इवन वो अगर क्रेडिट सेल भी हुआ है तब भी अगर वो रिटर्न है तब भी वो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा, और जो कैश सेल हुआ है वो अगर रिटर्न होता है तब भी सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा। इसके अलावा परचेजर की पूरी डिटेल हम फिर से सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे, किस परचेजर को हमने सेल किया था, जो वापस कर रहा है, हमने क्या आर्टिकल दिया था, किस रेट से दिया था, उसी रेट से ही हम से उसको क्रेडिट मेमो देंगे, और एट द टाइम ऑफ सेल परचेजर को हमने कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था वही ट्रेड डिस्काउंट हम सेल्स रिटर्न बुक में भी दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर एक छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, आप एक दो बार कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, सेल्स बुक का एक फॉर्मेट बनाऊंगा, उस फॉर्मेट में हम स्टेप वाइज एंट्री करते चलेंगे तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक इलस्ट्रेशंस करते हैं सेल्स बुक के ऊपर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, पेज नंबर 11.13, TS ग्रेवाल। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट तो इसके ऊपर लगा के दूंगा आपको, और फिर भी मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा और इसके बाद हम इसको बोर्ड के ऊपर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स रिद्धिमा सेल्स कैलकटा प्रिपेयर सेल्स बुक। पहले तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है मैसर्स रिद्धिमा सेल्स की हम सेल्स बुक बना रहे हैं, ये कैलकटा की है, किस लिए ध्यान रखना है, हमें GST कंसेप्ट के लिए। चलिए आगे चलते हैं, 2018 की मार्च की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू मैसर्स गायत्री टी असम वाइड इनवॉइस नंबर 2005 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर 5000 पर चेस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड IGST इज चार्ज 12%। स्टूडेंट्स मैसर्स गायत्री टी असम की हैं और रिद्धिमा सेल्स कैलकटा की हैं, इट मींस स्टेट अलग है तो हमें IGST चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें लिखा है 3 चेस्ट ऑफ टी, चेस्ट आपको पता है क्या होता है, चेस्ट एक बॉक्स होता है, आपने बॉक्स बनाई है ना मैथ्स की बुक में, एक बॉक्स है, कंटेनर आप कह लो, एक कंटेनर है जिसमें करीब करीब 50 kg, अगर स्पेशल डिमांड हो तो 50 से 70-80 kg का भी एक चेस्ट बन सकता है, तो ये चेस्ट बोलते हैं इसको, जिसमें 50 किलो बल्क अमाउंट रखा जा सकता है, और इसको तभी बनवाया जाता है जब आपने दूर कहीं भेजना है अपना प्रोडक्ट, मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री भेजना है या किसी दूसरी स्टेट में भी भेजना है तो वो सेफली चला जाए, तो उसके लिए चेस्ट बनवाया जाता है, चेस्ट एक तरह से बॉक्स है, कंटेनर है, वुडन बॉक्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे परचेजर का नाम मैसर्स गायत्री टी,
डेट है 2018 की, सारी ट्रांजैक्शंस हैं, डेट है मार्च फर्स्ट, परचेजर है मैसस गायत्री टी, आसाम के हैं। हमने सेल किया 3 chests of tea एट द रेट 500, 3 chests of tea एट द रेट 5000। इट मीन्स जो सेल प्राइस है एक्चुअली में 15000 है। ये हम डिटेल के अंदर तो लिखेंगे। इनवॉइस नंबर अगर दिया हुआ है तो आपने ज़रूर डालना है। इनवॉइस नंबर यस दिया हुआ है, 2005 दिया हुआ है, तो हमने इनवॉइस नंबर भी डाल दिया। अब देखिए इसमें लेस क्या करेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%। 5% मीन्स 750 रुपीज़। तो हमारा ये एक्चुअल में सेल प्राइस कितनी आ गई, 14,250। इसके ऊपर हमने प्लस आईजीएसटी सेल किया है तो क्या लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी। अगर परचेजिंग के टाइम पे क्या होता है हमारा इनपुट, सेल के टाइम पे होता है आउटपुट। तो आईजीएसटी है हमारा 1710, 1710 रुपये हमारा आईजीएसटी लगा, कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से। तो हमारी टोटल सेल प्राइस हो गई 15,960 रुपीज़। इसमें एक्चुअल में सेल्स वैल्यू कितनी है, 14,250। अब इसका बैफ्रिकेशन कर लो, सीजीएसटी एसजीएसटी यानी आईजीएसटी है 1710। क्लियर है, आसान है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। मार्च 4 की डेट में है, सोल्ड टू मैसेस मोहन एंड सन्स कैलकटा, वॉइड इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर एट द रेट 250 per kg, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड चार्ज CGST SGST 6% ईच। अब ये मोहन एंड सन्स जो हैं कैलकटा के ही हैं तो हम इसमें CGST SGST लगेगा। मार्च 3 की डेट है, कौन है, मैसर्स मोहन एंड सन्स, पूरा हम परचेजर का नाम लिख देंगे मोहन एंड सन्स। क्या सेल किया हमने इनको, 20 kg अमूल बटर एट द रेट ऑफ रुपीज 250, इट मीन्स 5000 का सेल किया। एक्चुअल जो सेल वैल्यू थी वो ये है और हमारा इनवॉइस नंबर है 2006, ये ज़रूर लिखना अगर इनवॉइस नंबर आपको दिया हुआ है तो, ठीक है। इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट अगेन 5%, तो ये हो गया 250 रुपीज़। तो हमारी एक्चुअल सेल प्राइस आ गई 4750। इसमें क्या करेंगे, प्लस आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 6% ईच। ये बनता है स्टूडेंट्स 285 रुपीज़ एंड 285 रुपीज़। तो टोटल सेल प्राइस कितनी हो गई, प्राइस हो गई 5320। इस सेल प्राइस में एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी है, 4750 ये वाली, फिर इसमें CGST और SGST कितना है, आउटपुट 285 और 285, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ लेते हैं। 5 मार्च की ट्रांजैक्शंस है, सोल्ड टू मैसेस गैरी सन्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 2007, 20 kg असम टी एट द रेट 600 per kg, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, चार्ज्ड IGST एट द रेट 12%, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज्ड इन द इनवॉइस एट ₹1600। स्टूडेंट्स अगर कोई परचेजर हमसे कहता है कि आप हमारे डेस्टिनेशन पर प्रोडक्ट पहुँचाइए तो उससे कार्टेज चार्जेस तो लेंगे ही, या वो कहता है कि स्पेशल पैकिंग भी करो तो उस पैकिंग का भी चार्जेस लिया जाए। तो इसमें उन्होंने पैकिंग और फ्रेट चार्जेस दोनों दिए हैं 1600 रुपीज़, तो हम इसको 1600 रुपीज़ भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब एंट्री करते हैं इसकी, 5 मार्च की डेट की है, कौन है हमारे परचेजर, मैसर्स गैरी एंड सन्स हैं दिल्ली के, अब ये दिल्ली के हैं तो हमें IGST लेना पड़ेगा ना, क्योंकि रिद्धिमा सेल्स जो है वो कैलकटा में है। तो हमने क्या सेल किया है,
20 केजी टी सेल की है एट द रेट 600 रुपीज़ पर केजी, तो इसकी सेल प्राइस कितनी है? 12,000 रुपीज़। ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया कितना? 5%, ये हो गया 600 रुपीज़। तो एक्चुअल सेल्स कितने की हो गई? 11,400 की एक्चुअल सेल प्राइस आ गई हमारे पास, और इसका इनवॉइस नंबर हमारा है 2007 नंबर। अब इसमें हम और क्या ऐड करेंगे? आउटपुट IGST, आउटपुट IGST 12%, ये बनेगा आपका 1368। आई होप कि आप देख पा रहे हो इतना। तो टोटल हो गया 68,72,12768, 12,768। अब इसमें फ्रेट और पैकिंग चार्जेस और इंक्लूड करना है। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस है 1600 रुपीज़। फ्रेट चार्जेस और पैकिंग चार्जेस 1600 रुपीज़। तो टोटल हो गया 14,368। अब इसका बाइफरकेशन कर लेते हैं। एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितनी थी? 11,400। इसके अलावा IGST हमारा था 1368, आउटपुट IGST 1368, ठीक है। और फ्रेट चार्जेस भी हम दिखा देंगे। जो भी चार्जेस हैं उसका एक कॉलम हम खोल देंगे। पैकिंग का है तो पैकिंग चार्जेस, ये फ्रेट एंड पैकिंग दोनों मिला के है, तो हमने फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस में लिख दिया 1600। और हम इन सब का अब टोटल कर लेंगे। सेल्स वैल्यू का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे आएगा 30,400। आउटपुट CGST का टोटल है 285 और आउटपुट SGST का भी टोटल है 285। आउटपुट IGST का टोटल है 3078, और फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का टोटल है 1600 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस सेल्स बुक में हमारे तीन परचेजर्स थे अलग अलग स्टेट्स के, तीनों की डिटेल आ गई है। किसके साथ हमने कितनी सेल करी है ये डिटेल्स भी आ गई। एक्चुअल सेल्स वैल्यू क्या थी वो सब कुछ बाइफरकेशन हमारा बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप इसकी जनरल एंट्री भी बनाओ जो आपने सेल्स बुक में एंट्री करी है। इसकी जनरल बुक के लिए हमें इस टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, और इन तीनों का जो टोटल है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहीं पर ही बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। जनरल एंट्री में क्रेडिट सेल अगर किया हुआ है तो हम कैसे जनरल एंट्री करते हैं? हम डेबिट किसको करेंगे? परचेजर को डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ हमारे तीन परचेजर्स हैं, तीनों की हम एक ही जनरल एंट्री बनाएंगे। पहला परचेजर है मैसर्स गायत्री टी, ठीक है। दूसरा परचेजर है मैसर्स मोहन एंड सन्स, तीसरा परचेजर्स है गैरी एंड सन्स, ये हैं तीनों परचेजर्स। इनके साथ में हमने टोटल कितनी बिलिंग करी है? हमने इनको टोटल बिलिंग करी है ये जो हमने पैसा लेना है इनसे, कितना लेना है? गायत्री से कितना लेना है हमने? 15,960। और मोहन एंड सन से कितना लेना है? 5,320। और गैरी एंड सन से कितना लेना है? 14,368। इतना ही लेना है ना। अब आप किसको क्रेडिट करोगे? टू सेल्स अकाउंट तो है ही हमारा, ये वाला टू सेल्स अकाउंट। अब जितने भी आपने ये बाइफरकेशंस बनाए हैं इन सबको आप क्रेडिट कर दोगे। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट IGST और टू फ्रेट जो हमने कार्टेज चार्जेस लिया है या पैकिंग चार्जेस लिया है। एक्चुअल सेल वैल्यू तो 30,400
400 की है ना, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 30,400। आउटपुट CGST कितना है? 285, और 285 ही है आउटपुट SGST, और आउटपुट IGST है हमारा 3078, और ये है 1600 हमारा फ्रेट है। अब आप इन सब का टोटल और इन सब का टोटल करेंगे तो इक्वल ही आएगा। इसमें इसके बाद नरेशन ज़रूर लिखिएगा, जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, आप पूरी कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे नरेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई, और हमने सेल्स बुक के ऊपर एक इलस्ट्रेशंस कर लिए। अब हम सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर भी एक इलस्ट्रेशंस छोटी सी कर लेते हैं, एक एंट्री ही चाहे लेंगे। सेल्स रिटर्न बुक बनाने से पहले हमें क्रेडिट मेमो एक इशू करना पड़ेगा। जिस तरह हम जब परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करते थे सेलर को, अब हम क्योंकि सेलर खुद हैं तो हमको एक क्रेडिट मेमो बनाना पड़ेगा, परचेजर को देना पड़ेगा। तो क्रेडिट मेमो का भी हम एक परफॉर्मा बना देंगे, और सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर भी हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम सेल्स रिटर्न बुक को कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। हम सेम इलस्ट्रेशन जो हमने सेल्स बुक बनाते वक्त की थी उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मार्च को गायत्री टीस असम, इसको हमने सेल किए थे 3 chests of tea 5000 के हिसाब से किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गायत्री टी असम से हमारे पास 1 chest वापस आ जाता है, तो अब हम इसकी सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में किस तरह एंट्री करेंगे वो देख लीजिए। सेम ऐसे ही हमने पहले गायत्री टी असम लिखना है, फिर 1 chest of tea एट द रेट ऑफ 5000, तो 5000 हमारे डिटेल्स में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट हमने एट द टाइम ऑफ सेल हमने 5% हमने चार्ज किया था, तो हम यहाँ पे भी 5% लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 250 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो गया 5250 रुपीज़ का हमने सेल्स वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके ऊपर IGST हमने चार्ज किया था, तो यहाँ IGST 12% हमने फिर से रिवर्स करना है, हमने उसको वापस देना है, तो 12% IGST आएगा 630 रुपीज़। तो टोटल हमारा हो जाएगा सेल्स रिटर्न 5880 में हमारा एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितनी है 5250, और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, और 630 रुपीज़ हमारा IGST है। तो ये सेल्स रिटर्न है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर आएगा, क्रेडिट नोट एक बना के हमें देना पड़ेगा। जिस तरह हम डेबिट नोट बनाते थे इसी तरह क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट का परफॉर्मा देख लीजिए कैसे बनेगा। क्रेडिट नोट बना के हमको ये गायत्री टी असम को भेजना पड़ेगा। क्रेडिट नोट बनेगा, क्रेडिट नोट में सबसे पहले ऊपर आपका नाम, हमारा नाम है मैसर्स रिधिमा सेल्स, कोलकाता। नेक्स्ट आप इसमें क्रेडिट नोट का नंबर दोगे, जैसे डेबिट नोट का नंबर दिया जाता था, तो क्रेडिट नोट नंबर दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 53, तो इसको CN53 बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दोगे क्रेडिट नोट CN53, ठीक है। अब किसको हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, मैसर्स गायत्री टी को, तो इसका नाम लिख देंगे गायत्री टी असम। इसकी डिटेल लिखना चाहें आप डिटेल लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे। अब यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, 1 chest tea एट द रेट 5000, पूरी डिटेल, लेस ट्रेड डिस्काउंट, सब कुछ आ जाएगा, और फिर लास्ट में आप सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्रेडिट नोट जाएगा गायत्री टी असम को। ये एक फॉर्मेट हमने बनाया है। तो ये था स्टूडेंट सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक के ऊपर आज का हमारा वीडियो। अब हमारा स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स के नाम से जो चैप्टर है आपका 11, ये आज हम फिनिश करते हैं, और अगले वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो आप देखते रहिए, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।